दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक रॉकेट लॉन्चर गन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इससे हम इस रॉकेट को अपने हाथों में लेकर ही उड़ा सकते हैं, और हम इसको बैटरी ऑपरेटेड बनाएंगे जिससे हम बटन दबाएं और हमारी जो रॉकेट है वो लॉन्च होए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये पाइप ले ली है, और अभी हम इस पाइप को इतना लंबा काट लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको सीधा नहीं, ऐसे टेढ़ा काटेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको काट लेता हूँ। तो ये दोस्तों, ये मैंने इसको टेढ़ा काट लिया, और हम इसको यहाँ पर चुकाएँगे ऐसे। तो ये 90 डिग्री पर हमें इसको जोड़ना है। तो अभी हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। तो इसको हमें हिसाब से काटना है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बैटरी भी आएगी। तो इसके अंदर बैटरी और यहाँ पर हमारा चार्जिंग सॉकेट भी आने वाला है। तो यहाँ पर हम इतना साइज लेकर इसको काट देते हैं। चलिए दोस्तों, मैं काट लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पीस को अच्छे से काट कर और अच्छे से फिनिशिंग दे दी। और अभी हम इसको बंद कर यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट और बैटरी को अंदर फिट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बैटरी के कनेक्शन इस मॉड्यूल के साथ कर दिए। इसका माइनस का माइनस के साथ जोड़ दिया है, और प्लस का प्लस के साथ जोड़ दिया, और बैटरी से माइनस और प्लस की वायर बाहर निकाल दी है, जो आगे हमारी जाएगी। तो अभी हम इसके अंदर इसको फिट करने के लिए यहाँ पर पहले इसके लिए होल कर लेंगे, और एक मैंने छोटा पीस काटा है, क्योंकि जब हम इसमें से रॉकेट चलाएंगे तो कुछ जो हमारे अंगारे हैं आग के, वो इससे होकर यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो हमारी बैटरी डैमेज ना हो, इसलिए हम इसको लगा कर अच्छे इसको बंद कर लेंगे। तो ये दोस्तों, अभी हम इसमें होल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों, ये मैंने इसको होल कर इसके ऊपर लगा भी दिया है, और अभी हम ये निकाल लिया है, और अभी मैंने यहाँ पर दो होल भी कर लिए हैं स्विच के लिए। इसमें हम ये वाला स्विच यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी एक जो लाइटर बनाया था उसमें यूज़ किया था। तो अभी हम इसको अंदर डालकर वायर को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, मैं निकाल लेता हूँ। तो ये दोस्तों, ये मैंने जो माइनस वाली वायर वो इधर से निकाल दी, जो मैं पीछे एक होल किया था जो हमारा आगे सीधा जाएगा, और जो प्लस वाली वायर तो वो मैंने स्विच वाली जगह से निकाल ली। और अभी हम इस वायर को थोड़ा सा काट लें, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो यहाँ से अभी हम इसको काट देते हैं, और इसी वायर को अभी यहाँ से निकाल कर हमें यहाँ से डालकर हमें यहाँ से निकालना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये है दोस्तों, ये मैंने एक वायर को निकाल कर यहाँ पर तो इसको सोल्डरिंग कर दिया, जो बैटरी से वायर है मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया, और जो ये हमारी बाहर निकल रही है वो मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी, और ये सीधा हमारे बैटरी से माइनस की वायर आ रही। और अभी हम इसको भी जोड़ देते हैं। तो अभी हमारी बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं, और अभी हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा जुड़ चुका है, और अभी हम इसके आगे ये बड़ी बड़ी पाइप का इतना सा टुकड़ा कट कर लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ही चलाया तो जो इसके जो रॉकेट चलेगा उसके अंगारे हमारे हाथों पर गिर सकते हैं। तो अभी हम इसको इतना पीस काट कर गोल आकार में काट कर इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं, जैसे हमारा एंड कैप होता है वैसे ही हमें इसको बनाना है। चलिए दोस्तों, मैं बना देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एंड का बना लिया, और अभी हम इसके यहाँ पर एक होल कर लेते हैं, पाइप यहाँ पर हम डालेंगे। चलिए दोस्तों, मैं होल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसके अंदर होल कर लिया, और अभी हम इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल देते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी आगे रखेंगे, और यहाँ पर पहले हम दो होल कर देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ ये चेक। दोस्तों ये मैंने दो होल कर दिए और अभी इन दोनों होलों में हम ये नट कसेंगे जिससे हम तार को लगाने वाले हैं। तो इसके अंदर पहले हम एक नट कस लेते हैं। फिर इसको लगाकर हम अंदर एक नट कस लेंगे। तो पहले हम इसको इन वायर को इसके अंदर से निकाल देते हैं यहाँ पर होल कर। तो चलिए दोस्तों एक दोस्तों ये मैंने होल कर दिया, अभी इसको इसके अंदर से निकाल देते हैं। दोस्तों अभी हम इस नट में एक वायर को लपेट कर पहले हम इस नाइक्रोम वायर को लेंगे और इसके साथ अच्छे से लगा देंगे। अभी हम इसको इसके अंदर नट के अंदर कस लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी वायर को भी कर लेते हैं ले दोस्तों। और अभी हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो अभी तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने नाइक्रोन वायर अच्छे से लगा दिए और यहाँ पर हम टेप लगा दें जिससे ये आपस में जुड़े ना। और अभी हम इसको भी ऊपर कर अच्छे से लगा देते हैं और अभी हम इसको फायर की मदद जोड़ देते हैं। तो चीज़ें उसको अच्छे से जुड़ चुकी है और अभी हम आपको चला कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये रेड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग करवा कर दिखाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसको चलाते हैं। चलिए दोस्तों दोस्तों आपने देख लिया होगा जी कितना अच्छा वर्क कर रही है। इसका बटन दबाते ही ये अपने आप उड़ जाती है। ये देखिए दोस्तों अंदर से काली भी हो चुकी, लेकिन मैंने इसमें 6-7 भी एक साथ ही चलाई है जो इससे हमें ये पता लगता है अब ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, बैटरी नहीं हो रही है। तो दोस्तों कैसी आप वीडियो लगी आपको, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और नई नई वीडियो के साथ।